तो हे गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में। तो जो लोग को नहीं पता, मेरा नाम है निजल, एंड जो लोग को पता है, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग 1 आवर का पेपर है, जिसमें आपको कोई भी नेचुरल या मैनमेड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। जो लोगों ने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दिया है या जो लोग ड्राइंग करते हैं, बेसिकली उनको पता होगा स्टिल लाइफ टॉपिक होता है। तो वैसे ही स्टिल लाइफ से बहुत क्लोज है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको छोटे ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे क्योंकि पेपर 1 आवर का है, और यही छोटे ऑब्जेक्ट्स को फुली रियलिस्टिकली 1 आवर में पेंसिल रेंडर करके कंप्लीट करना है। सबसे पहला टिप आपको ये होगा कि आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का जो रियल साइज़ है वही साइज़ में आपको पेंसिल रेंडर करना है, और उसको बड़ा करके या उसको छोटा करके नहीं बनाना है। मतलब अगर आपको लेमन दिया गया तो वो लेमन का साइज़ आपके ड्राइंग पेपर में भी रियलिस्टिक लेमन साइज़ ही रहना चाहिए, ना उसको बड़ा करना है आपको ना उसको छोटा करना है। सो दूसरा टिप ये होगा कि आप प्लीज़ अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग पेपर के सेंटर में प्लेस करना, नहीं तो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड थोड़ा ऑफ सेंटर, या टूवर्ड्स द बॉटम साइड थोड़ा ऑफ सेंटर, या टूवर्ड्स द अपर साइड थोड़ा ऑफ सेंटर, बट बेसिकली आपका फोकल एरिया में ही ड्राइंग होना चाहिए। तो तीसरा टिप ये होगा कि आपका पेंसिल सिलेक्शन आपको पता है कि पेंसिल के रेंजेस होते हैं फ्रॉम हार्ड टू बोल्ड, डिपेंडिंग कितने लाइटर शेड्स आपको चाहिए टू डार्कर शेड्स लाइक 2H, 4H एंड HB, मतलब जो सेंटर शेड है, एंड इसके बाद डार्कर शेड्स या बोल्ड शेड्स या सॉफ्टर पेंसिल्स आते हैं जो B सीरीज़ होता है पेंसिल के, 2B, 4B, 6B, जिससे आपको डार्क टोन्स मिलते हैं। लेकिन ये पेंसिल सिलेक्शन तो आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइंग, लेकिन मैं पेंसिल का ब्रांड का बात कर रहा हूँ। कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ मत करना, चीप पेंसिल्स मत यूज़ करना, इससे आपका रेंडरिंग बहुत ख़राब आता है, क्वालिटी नहीं मिलता है रेंडरिंग का। तो आप ये दो ब्रांड्स मैं आपको बताऊँगा, एक है स्टेडलर और दूसरा है डर्बन। ये दोनों ब्रांड इम्पोर्टेड ब्रांड्स है, और इसका कॉस्टिंग आपको 10 times नॉर्मल पेंसिल का अमाउंट जाएगा। लेकिन ये दो ब्रांड्स मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, या कोई भी हायर ग्रेड पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, इससे आपका पेंसिल रेंडरिंग का क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। चौथा टिप है टोनल वैल्यूज़ के बारे में। आप पेंसिल रेंडरिंग कर रहे हो तो आपका लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, कास्ट शैडो और हाईलाइट, ये आपके ड्राइंग्स में दिखने ही चाहिए, मतलब आपके शेडिंग में दिखने ही चाहिए। क्योंकि लाइट का सोर्स कहाँ से है, वो लाइट ऑब्जेक्ट पे कैसा पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट का शैडो कैसा आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट कितने आ रहे हैं, मैं आपको इसका सैम्पल दिखाता हूँ। ये टोनल वैल्यूज़ के ग्रेड आपके ड्राइंग में दिखने ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट आपका ड्राइंग पूरा प्लेन लगेगा, और वो कितना भी अच्छा ड्राइंग हो, अगर आपका शेडिंग प्लेन लग रहा है तो नहीं अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका। तो इसके बाद का पॉइंट है, पांचवा टिप मैं आपको ये देता हूँ कि कभी भी स्मच टूल नहीं यूज़ करना। स्मच टूल ये जो होता है, ये कभी नहीं यूज़ करना अपने पेपर में। नीदर अपने फिंगर से शेड मर्ज करने देखना, मतलब पेंसिल रेंडर करके जो आप कोशिश करते हो हाथ से उसका टोनल वैल्यूज़ ग्रेडेशन करे, वो बिल्कुल मत करना, उससे पेपर क्वालिटी ख़राब होता है और वो दिख के आता है। तो अगर आप फिंगर से स्मच करोगे या मर्ज करने देखोगे तो आपके हाथ में का जो मॉइस्चर या कभी कभी ऑयल भी होता है अपने फिंगर्स पे, तो ये वो पेपर पे आ जाएगा, उससे पेपर क्वालिटी ख़राब होता है और ये अच्छे से दिख के आता है। अगर आप ज़रा सा भी स्मच करो, एग्जामिनर को ज़रूर दिखेगा कि आपने स्मच यूज़ किया है, और ये बिल्कुल मत यूज़ करना, मैक्सिमम अवॉइड करना, ये मेरा एडवाइस आपको रहेगा। सो गाइस, इसके अलावा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप जो आप भी कहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, हो सकता है कि वहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट हो, जैसे कि ट्यूब लाइट हो, विंडो लाइट हो, तो इससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स पे मल्टीपल लाइट सोर्सेज दिखेंगे। तो ये आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना कम्प्लीटली अवॉइड करना है, आपके ड्राइंग में एक ही लाइट सोर्स होना बेटर है। तो ये जैसे कि मैंने आपको स्पीयर का एग्जाम्पल दिया था, एक ही सोर्स ऑफ लाइट दिखाना है, तो आप बाकी के लाइट कवर कर सकते हो। और वो कैसे कवर करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको मेनली आपका जो भी ऑब्जेक्ट है एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे प्लेस करना है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट के पीछे साइड को कवर करना है, एंड जहाँ से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड को कवर करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी एडिशनल लाइट्स आपके ऑब्जेक्ट पे गिर रहे हैं ये गिरना बंद हो जाएगा। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आप एग्ज़ाम में भी इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सब चीज़ें लेके जा सकते हो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए। सो इससे क्या होगा, जो एडिशनल लाइट सोर्सेस है उसको हम ब्लॉक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेसिंग में, और जैसे आपका
ऑब्जेक्ट के नीचे वाइट सरफेस है तो वो भी आपको रिफ्लेक्टेड शैडो देखने में या परसीव करने में अच्छा पड़ता है। तो ये टूल्स है आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो लाइट है उससे आप अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हो। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लाइट कहाँ पे है, शैडो कहाँ पे है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि मल्टीपल लाइट सोर्सेज की वजह से मल्टीपल शैडोज कास्ट होते हैं, तो वो आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपका ड्राइंग 3 डायमेंशनल कम दिखेगा। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। अब मैंने बात किया शेडिंग के बारे में, कौन सा पेंसिल यूज़ करना है और कैसे आपको सेंटर में या ऑफ सेंटर में प्लेस करना है। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, नेचुरल या मैनमेड, फ्रूट्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमन, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, और मैनमेड ऑब्जेक्ट जैसे कि सोप, मोस्टली रेन सोप वगैरह आता है या मैच बॉक्स आता है, ये कुछ भी चीज़ आ सकता है। तो आपको इसको कंपोज करना है, जस्ट ये ऑब्जेक्ट जैसे आपको मिले वैसे इसे प्लेस करके नहीं रेंडर करना है, इसको थोड़ा सा आपको कंपोज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑनियन है तो ऑनियन सिर्फ अगर आप रख के शेड करोगे तो एक स्फेरिकल शेप बस आप रेंडर करोगे, इससे आपको ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा। तो ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये आपको ध्यान देना। ऑनियन का अंदर के जो पील्स है, उसके बाहर का जो स्किन है, वो पील ऑफ होता है तो कैसा दिखता है। एट द सेम टाइम मैनमेड ऑब्जेक्ट जैसे कि मैच बॉक्स दिया, मैच बॉक्स ने आपने बस मैच बॉक्स को रख के रेंडर कर दिया, वैसा नहीं, मैच बॉक्स के अंदर उसके स्टिक्स कैसे दिखते हैं, अगर उस स्टिक्स बर्न होके प्लेस करोगे या मैच बॉक्स को थोड़ा खोल के रेंडर करोगे कि अंदर स्टिक्स दिख रहा है, ऊपर का आपका ब्रांडिंग दिख रहा है, तो वैसा जितना ज़्यादा आप वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके उसको रेंडर करो, क्योंकि इवन 1 आवर में आपको उसको अच्छे से ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है, वो ऑब्जेक्ट्स लगना चाहिए कि उधर कंपोज करके रखा है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लेमन, आपने अगर लेमन को बस रख के रेंडर कर दिया तो आपको एक स्फेरिकल शेप दिखेगा जिसमें आपको लेमन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं मिलेंगे। मिलेंगे अगर आपका रेंडरिंग अच्छा हुआ तो भी एक स्फेरिकल शेप दिखेगा। तो लेमन को थोड़ा सा काटना, ओपन करना, लेमन को थोड़ा स्क्वीज करके रखना, ये सब आपको अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना है और आपको अच्छी तरीके से कंपोज करना है। इससे क्या होगा कि आपका विजुअलाइजेशन मेच्योर्ड है, या आप एक चीज़ का सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का फीलिंग कम्युनिकेट कर रहे हो। एक 2 डायमेंशनल पेपर पे, जैसे कि पेपर है, उस पर हम सिर्फ रेंडर नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ वो ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करना है, हमको वो ऑब्जेक्ट का फीलिंग देना है। आर्टिस्ट वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करता है 2 डायमेंशनल पेपर पे, लेकिन वो 3 डायमेंशनल फील में आता है, वी परसीव इट 3 डायमेंशनली, और जितना वो रियलिस्टिक आया उसका मतलब क्या है कि उतना हमको वो चीज़ 3 डायमेंशनल दिख रहा है। तो ये मैक्सिमम ट्राई करना कि ऑब्जेक्ट को कंपोज, उसका जो फीलिंग है वो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम ट्राई करना, रिफ्लेक्ट करना अपने पेपर पे। दैट्स इट गाइस, आई गेस मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इस वीडियो में। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून। Damn.